असलम स्टूडेंट्स माई नेम इज मोहम्मद आकिब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस कैसे हैं आप सब चलते हैं बोर्ड की तरफ सो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स पार्टिकल्स एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड यू विल थॉरली एंजॉय इट आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे अब बुक्स अपनी साइड पे कर दें एंड लुक एट द वीडियो लुक एट मी एंड हेयर मी आउट वेरी केयरफुली सो स्टार्टिंग ऑफ पार्टिकल्स होते क्या हैं ये कहा पाए जाते हैं पार्टिकल्स बेसिकली एग्जिस्ट ऑल अराउंड यू यू नेम इट एंड इट्स मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑल टूगेदर आज हम एक्सप्लोर करते हैं द थ्री मेन स्टेट्स, द मेन, थ्री मेन फिजिकल स्टेट्स जिसके अंदर ये तमाम हमारे इर्द गिर्द सबस्टेंसेस एग्जिस्ट करती हैं दे आर सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस ये तमाम तीनों स्टेट्स ये फिजिकल स्टेट्स जो कहलाते हैं दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स क्या होते हैं सॉलिड्स आर देव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल एक टिन कैन आपके पास जो पड़ी हुई पेंसिल है आप जिस टेबल पे बैठे हैं आपके पास जो कॉपी है ऑल ऑफ दीज आर सॉलिड अब इसके अंदर नोट क्या किया जब इसको स्टडी किया जा रहा था इसको एक रिसर्च की जा रही थी दैट दीज आर कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स ज्वाइंड टूगेदर बहुत क्लोजली जॉइंड टूगेदर हैं, और अपनी ही जगह पे बड़ी हल्की सी मोशन कर रहे हैं इस इनके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से इनकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ये अपनी शेप को रिटेन करते हैं जब तक इनके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई होगी या किसी भी फॉर्म की एनर्जी नहीं अप्लाई होगी दैट इज ओनली केस जिसके अंदर ये देखा गया कि सॉलिड्स अपनी शेप को रिटेन नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल टेन कैन आप इसके ऊपर पैर रख दें उसकी शेप चेंज हो जाएगी यानी कि आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और इसकी शेप चेंज हो गई लेकिन फिर भी आप नोट करें कि टिन कैन टिन कैन ही रहता है उसकी सिर्फ शेप चेंज होती है अगेन उसी हालत में वापस आ जाता है यानी कि एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम आपके कैन के ऊपर पैर रखने से उसका ना वॉल्यूम चेंज हुआ बट चेंज क्या हुआ उसकी शेप देखिए जब शेप चेंज हो गई उसने फिर भी अपना जो उसका रूल्स हैं सॉलिड के एग्जिस्ट करने के उसको कायम रखा वेयर एज इन लिक्विड्स लिक्विड्स का डिफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है लेकिन इनकी डिफिनेट शेप नहीं होती दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर फॉर एग्जाम्पल अब पानी के ग्लास अब आपका एक सामने पड़ा हुआ है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है अब अगर वो राउंड है ग्लास तो पानी की भी शेप बिल्कुल उसी तरह से राउंड होगी अब यही पानी का ग्लास आप एक इरेग्युलर जग के अंदर वापस डाल दें तो वो जग की शेप ले लेगा दैट मींस दैट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप पानी जैसे मैंने आपको इसकी एक मिसाल दी कुकिंग ऑयल आप ले लें कुकिंग ऑयल जब तक अपने कंटेनर में होता है तब तक उसी की शेप रखता है जैसे आप उसको फ्राइंग पैन में या सॉस पैन में या किसी भी चीज के अंदर डालते हैं वो बिल्कुल स्कैटर हो जाता है और उसकी शेप लेना शुरू हो जाता है गैसेस गैसेस इन दोनों स्टेट्स के बरक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल एयर हवा जो है वो हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल फ्रीली पाई जाती है ना ही इस पर कोई कैद है कि इसका कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा या डेफिनेट इसकी कोई शेप होगी गैसेस रोम अराउंड फ्रीली इसकी सबसे बड़ी मिसाल जैसे मैंने अभी आपको दी थी वो एयर ही है सो so, सॉलिड्स क्या है सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड्स क्या है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप एंड गैसेस नाइदर हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम नॉर्थ दे हैव डिफिनट शेप दीज आर द्री मेन स्टेट्स जिसके अंदर हमारे इर्दगे जितनी सब स्टांसेज हैं एग्जिस्ट करती है दे आर ऑल नोन एज मैटर मैटर इज एनी थिंग डेट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैथ अब सॉलिड का सॉलिड भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कॉपी टेबल के ऊपर पड़ी हुई उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है

द टाइमियस्ट नोन पार्टिकल नोन एज द एटम टू आर सीवन यार्ट ऑफ मैटर अभी मैंने आपसे जिक्र किया एटम्स का चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ और फिर इसको बजीद समझते हैं सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड द टाइमियस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इनको देखने के लिए साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि टेन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मैग्निफाई करता है एनहांस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को और उसके अंदर फिर हमें बड़े विविडली किस्म से हमें एटम्स नजर आना शुरू होते हैं जरा धुंधले से ज्यादा और पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बेसिकली रिवील्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और यही एटम्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं उनको क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल गिव यू वेरी बेसिक एग्जाम्पल टू स्टार्ट ऑफ विद के एटम्स क्या होते हैं फिर वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं हवा के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से हाइड्रोजन है फेर रही है हवा के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी है अब यही दोनों हाइड्रोजन के एटम्स ये दो हाइड्रोजन के एटम्स जब ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है वाटर मॉलिक्यूल ये अल्लाह ने पूरी जो कायनात बनाई है ये अल्लाह की दीवी हमें रहमतें और नेमतें हैं किस तरह से एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलकर क्या देती है पानी बना देती है सो टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद सिंगल ऑक्सीजन आटम एंड इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल एच टू ओ ना बिफोर यू मूव ऑन फॉरवर्ड मैंने अभी आपको जो बता रहा था सॉलिड स्टेट के बारे में लिक्विड स्टेट के बारे में और गैसियस स्टेट के बारे में अब इसके अंदर हम जरा स्टडी करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जी जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड का एक डिफिनेट शेप होता है डिफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती गैसेस दे नाइदर हैव अ अ डेफिनेट डेफिनेट वॉल्यूम नॉर शेप वो किस वजह से होती है लुक एट द बोर्ड सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्लोजली इस तरह से कॉम्पैक्ट तरीके से लाइंड अप है बहुत नीटली अप होते हैं और ये अपनी ही जगह पे हल्की हल्की से मोशन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से सॉलिड हमेशा एक डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप के अंदर रहता है वेर एस लिक्विड के अंदर अब यही पार्टिकल जरा दूर दूर हो जाते हैं अच्छा सो so, अब जरा गौर से सुनिएगा ये एक बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जब ये पार्टिकल्स आपस में से इनका डिस्टेंस जरा दूर हुआ तो मोशन क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी सो so, इस ज्यादा मोशन की वजह से नाउ दीज पार्टिकल्स कैन फ्रीली रोम अराउंड ये इधर उधर घूमते रहेंगे जैसा सॉलिड के अंदर चूंकि वो बहुत क्लोजली थे पैक्ड टुगेदर थे इसलिए बस वो अपनी जगह पे हिल रहे थे बट वेन लिक्विड स्टेट में जब आए तो पार्टिकल्स कुछ चूंकि जगह मिली, ली तो इसलिए उनकी मोशन ज्यादा शुरू हो गई जिसकी वजह से उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो रहा मगर डेफिनेट शेप नहीं रही ना गैस अब गैस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था किसकी तो ना ही डेफिनेट शेप है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है तो इस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे इफ यूर थिंकिंग इनके पार्टिकल्स चूंकि और ज्यादा दूर हो जाते हैं और ज्यादा फासला हो जाता है इनके दरमियान में सो दे फो दे कैन फ्रीली रोम अराउंड एनी वे देन यू आर राइट आपने बिल्कुल सही सोचा लुक एट द डायग्राम ऑन द बोर्ड अब जैसे मैंने कहा कि स्पेसेस चूंकि ज्यादा हो गई है इन पार्टिकल्स में तो अब इनकी रैंडम मोशन ज्यादा दूर तक होती है और ज्यादा होती है जिसकी वजह से इनकी मोशन इस मोशन की वजह से दे आर अनएबल टू रिटेन अ शेप दे आर अनएबल दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम फॉर एग्जांपल मैं एक कमरे के कोने के अंदर खड़ा होता हूं और वहां पे एक परफ्यूम और डिओड्रेंट और अ बॉडी स्प्रे सिर्फ स्प्रे कर देता हूं मैं थोड़ा सा आप कमरे के दूसरे एंड पे बैठे हुए हैं इन एग्जैक्टली आफ्टर लेट्स से फाइव और सिक्स और टेन सेकेंड्स, आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी किस लिए वो क्या वजह है कि मैंने तो एक कमरे के कॉर्नर नंबर ए में लेट्स से फॉर एग्जांपल स्प्रे किया आपको कॉर्नर बी में उसकी खुशबू आना शुरू हो गई हाव इट्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ द गैस स्टेट चूंकि प्रेशराइज इसको किया गया होता है तो इसलिए जैसे इसको स्प्रे करते हैं ये पार्टिकल्स जैसे बाहर आते हैं कंटेनर से दे स्टार्ट टू रैंडमली मूव अराउंड, और अब आप नोट करें कि चंद सेकेंड में यही पार्टिकल्स आप तक पहुंच चुके होते हैं बिकॉज इसको ना ही इसको गैस ये जो तो हमारे स्टेट ऑफ मैटर है इसके रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं इसके ऊपर कि ये अपनी शेप को रिटेन करें इनका डेफिनेट शेप होना चाहिए इनका डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए ये अपनी बेसिक इन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे होते दैट इज व्हाई यू आर एबल टू स्मेल व्हेन समवन स्प्रेज अ परफ्यूम और अ डियोड्रेंट और अ बॉडी स्प्रे इवन फार अवे फ्रॉम यू सम टाइम्स आप कभी आप नोट भी करिएगा कि आप गाड़ी में जा रहे हैं आपके पास कहीं किसी ने झाड़ियों को आग लगाई हुई थी आपको दूर से नजर आ रहा है धुआं लेकिन गाड़ी के शीशे बंद है आप इमेजिन कर रहे होंगे कि मुझे तो ये स्मेल नहीं आएगी इस धुएं की लेकिन गाड़ी जैसे ही उसके पास से गुजरती है फिर चंद सेकंड बाद आपको गाड़ी के अंदर चूंकि इवन शीशे बंद भी हैं फिर भी आपको स्मेल आ रही है बिकॉज दीज गैसेस कैन ट्रेवल एनी एंड थ्रू एनी अब इसको मजीद समझने के लिए चलते हैं तीसरे बोर्ड की तरफ ना जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी गैस के में मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपको स्मेल आती है इवन आपकी गाड़ी के शीशे बंद हैं धुआं बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी आपको स्मेल आ रही है हाउ इज दैट पॉसिबल सो दैट्स वन ऑफ द एविडेंसेस कि पार्टिकल्स डू एग्जिस्ट फिर अब आप नोट करें आपके पास एक बैलून है आपने उसके अंदर हवा भरी चंद दिन बाद क्या होगा कि आप नोट करेंगे कि उसका हवा का प्रेशर कम होता जा रहा है और मजीद एक दो दिन बाद उसके अंदर हवा रही नहीं वो इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स जो अंदर होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं इसके अंदर से बेलून कैन नॉट कंटेन दैट एयर इनसाइड इट क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके बैलून को देखते हैं तो हमें नजर आएंगे कि उसके दरमियान में ये टाइनी टाइनी पोर्स हैं, जिसके अंदर से पार्टिकल्स निकलते रहते हैं दैट इज वाई टेक्स टाइम और कुछ दिनों के बाद आप नोट करते क्या जी बैलून जिसके अंदर हवा थी वो तो खत्म हो गई वो तो सारी की सारी निकल गई मजीद एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस वो ये भी है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अब आपने क्या करना है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है जो कि आप अक्सर कभी कभार करते भी आए होंगे या किया भी होगा आपने लेकिन अगर नहीं किया ट्राई दिस दिस टाइम आपने एक पानी का ग्लास लेना है आपके पास अगर इंक है ब्लू है या ब्लैक है उसका सिर्फ एक ड्रॉप आपने पानी में डालना वो जैसे आप एक ड्रॉप पानी के अंदर डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप क्या नोट करते हैं कि पानी पूरा का पूरा आयदर ब्लैक या ब्लू होने लग जाता है किस लिए क्योंकि डिफ्यूज हो रहा है वो उसके अंदर पानी के अंदर डिफ्यूज हो रहा है डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन या हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अब इनमें मैंने दो बड़ी जरूरी टर्म्स यूज की है उसका मतलब क्या है सेंट्रेशन क्या होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन के जहां पे किसी चीज का ज्यादा मकदार में होना और लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या है जहां पे किसी भी चीज का कम मकदार में पाया जाना so, पानी था अब इंक जो आपने डाली थी दैट वॉज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन और वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फैलती गई जिसकी वजह से पानी का कलर जो है वो ब्लैक या ब्लू होना शुरू हो गया दैट इज द रीजन चुअली प्रूव आस दार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग बेलून की मैंने आपको एग्जाम्पल दी अब ये जो गैसेस है जो कि आपको मैंने गाड़ी वाली एग्जाम्पल दी इसके अलावा मैंने आपको परफ्यूम डिओड्रेंट वो वाली एग्जाम्पल दी दैट ऑल शो कि पार्टिकल्स आर आई दर मूविंग एंड दे आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये परफ्यूम वाली एग्जाम्पल हम डिफ्यूजन के अंदर भी लगा सकते हैं वो किस तरह से कि जो परफ्यूम जब आपने किया या बॉडी स्प्रे या ये जो भी आपने स्प्रे यूज किया तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल किया है उसने आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा ना ये मूविंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इसको जरा गौर से समझिएगा और बोर्ड की तरफ अभी देखिएगा जरा पहले ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन इन एटीन ट्वेंटी सेवन डिस्कवर्ड वो माइक्रोस्कोप लगा के बैठा था उसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि गैस कंटेनर है अब इसके अंदर ये पार्टिकल्स क्या कोलाइड कर रहे हैं बार-बार छोटे-छोटे -पार? से पार्टिकल जो उसको नजर आए जो कि मूव कर रहे थे आई होप कि आपके स्कूल जब ओपन होते हैं आप लैब में जाते हैं नोट करिएगा कि आप एक गैस छोटे से कंटेनर ले और उसको लाइट के अंदर देखना आपने हाई इंटेंसिटी लाइट के अंदर देखना है आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो किस लिए मूव कर रहे होते हैं रीजन बी के in, in air, उसके साथ मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं बम्बार्ट कर रहे हैं टकराते हैं वो पार्टिकल मूव कहीं और करता है फिर दोबारा टकराते हैं सो दिस रैंडम मोशन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन दिस वॉज नोन एज द ब्राउनियन मोशन जिसके अंदर पार्टिकल्स रैंडम मोशन बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स बीइंग कोलाइडेड एंड बॉम्बार्डेड बाय द मॉलिक्यूल्स अराउंड दम दिस इज अ वेरी सिंपल मोशन जिसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पार्टिकल्स आर बीइंग कोलाइडेड और बॉम्बार्डेड बाय मॉलिक्यूल्स अराउंड दम दिस इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन अब जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूं आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है फिर ब्लैंक की फॉर्म में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस के अंदर आ सकता है कि ब्राउनियन मोशन क्या होती है डिफ्यूजन क्या होती है वट आर द एविडेंसिस दैट प्रूवस अस दैट पार्टिकल्स एग्जिस्ट दैट पार्टिकल्स आर मूविंग सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स की क्या पोजिशन होती है लिक्विड के अंदर क्या पोजीशन होती है गैस के अंदर क्या पोजीशन होती है ये आपसे सब पूछा जा सकता है सो so, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा का सारा लेक्चर समझ आया होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यूट्यूब के ऊपर ये वीडियोस भी देख सकते हैं एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर आप सॉलिड स्टेट को देखें लिक्विड स्टेट को देखें गैसी स्टेट को देखें एंड इट विल फर्दर मोर योर नॉलेज अबाउट पार्टिकल्स दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक और यह आपको बहुत क्लियरली बहुत आसानी से समझ आ सकता है वीडियोज देखें एनिमेशन देखें ब्राउनियन मोशन के अंदर वो वीडियो क्लिप्स देखें सो दैट आपको और मजीद बेहतर समझ आए मैं यहां पर अब आप एक एनिमेशन देख रहे होंगे जिसके अंदर मैंने ब्राउनियन मोशन आपको दिखाई है यह ब्राउनियन मोशन बेसिकली डिस्कवर किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, थी. आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सो so, इस एनिमेशन को देखें मैंने आपको जो डिफरेंट पिक्चर्स अभी दिखाई है सॉलिड स्टेट की लिक्विड स्टेट की इसको मजीद समझने की और बेहतर कोशिश करें बाय यूजिंग इंटरनेट एंड लुकिंग एट डिफरेंट वीडियोस अपने आप को बुक्स तक कभी भी ना रिस्ट्रिक्ट रखिएगा ट्राई टू स्टडी एज मच एज यू कैन फ्रॉम एनी बाउट साइंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा ये लेसन आपको याद रहेगा टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफि